नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जिंगर पराठा रोल बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मुझे सबसे पहले जो है वो मैदा चाहिए होगा। तकरीबन मैंने हाफ के जी के बराबर जो है वो ले लिया है। इसमें मैं हाफ टी स्पून के बराबर जो है वो नमक शामिल करूँगी, साथ में मैं हाफ टी स्पून ही चीनी शामिल करूँगी। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद एक जो है वो चम्मच मैं इसमें ऑयल का शामिल कर लूँगी, खाने का चम्मच, और फिर इसके बाद मैं इसको गूंद लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से जो है वो इसको गूंद लिया है। ये देखिए, इसको इतना जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको फाइनली हम जो है वो ढककर थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं, ताकि जो है ये आटा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, आटा जो है हमारा बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो चुका है इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इसके जो है वो पराठे के पेड़े बनाते हैं। तो चलें, इसमें से हम एक जो है वो पेड़ा लेते हैं और मैं आपको एक पराठा जो है वो बना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जो है पेड़ा बनाने के बाद इसको इस तरह से फैलाना है। हम इसमें खुशका यूज़ करेंगे। खुशका यूज़ करने के बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह से जो है वो मैं लंबाई के रुख जो है वो बेल रही हूँ। ये देखिए, अच्छा, अब ये मेरे पास जो है वो तकरीबन एक खाने का चम्मच जो है वो बटर है, और साथ में मैंने ऑयल को जो है वो मेल्ट किया हुआ है। इन दोनों चीज़ों को मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी और पराठे पे जो है वो अप्लाई करूँगी मैं। ये मिक्स कर लिया, और इस तरह से मैं इस पे ये बटर और घी जो है वो दोनों चीज़ें मिक्स करके लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो आटे को डस्ट करूंगी और इस तरह से उसको बल दे दूंगी उस तरह से, और यूं बनाकर इसको मैं एक साइड पे प्लेट में रख दूंगी। ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने जो है इसके 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं तकरीबन आधा किलो मैदे से। चलिए, ये जो मैंने पेड़े बना के रखे हुए थे इसको मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक से हमने इसको बेल लेना है इस तरह से, और बेलने के बाद इसको हम जो है वो अपने तवे पे डालेंगे। तो ये मैंने एक पैन रख लिया है अपने पराठे बेल के इस पे डालने के लिए। ये देखिए, पराठे को बेलने के बाद मैं इसको तवे पे पकाने के लिए डाल रही हूँ। एक साइड इसकी जो है वो सिक जाए जब, तो हम इसकी साइड चेंज करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसको थोड़ा सा इस तरह से पकाने के बाद दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, इस तरह से करने से इसकी जो है वो लेयर्स बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ये आपको फील भी हो रहा होगा कि इसकी बहुत मज़े की जो है वो लच्छादार लेयर्स आ रही हैं। ये देखें, हमारा पराठा जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। गोल्डन ब्राउन कर लेना हमने, और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ट्रे में। ये देखें, और इस तरह से हम वन बाय वन करते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये जो तमाम पराठे हैं मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखें, इस हम एक खाली बॉल लेंगे और उसमें हम तकरीबन हाफ के जी के बराबर जो है वो चिकन शामिल कर लेंगे। अच्छा, चिकन की जो वो स्ट्रिप्स होंगी वो इस तरह से मैंने जूलियन कटिंग में काट ली है, ठीक है। इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे, और इसमें एक खाने का चम्मच जो है वो हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, साथ में इसमें एक खाने का चम्मच जो है वो पिसी हुई सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे, साथ में इसमें हम जो है वो हाफ टी स्पून के बराबर जो है वो नमक शामिल कर देंगे, और इसमें साथ ही हम जो है वो आधा कप सिरका वो इस्तेमाल करेंगे, और साथ में एक खाने की चम्मच जो है वो कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे, और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मैरिनेट होने के लिए तकरीबन इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। जितना ये अच्छी तरह से मैरिनेट होगा और हमारे जो जिंगर हैं बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनेगा अंदर से, और मैरिनेशन की वजह से टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका इन्हेंस होगा। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है, तो हमने एक सॉस पैन लेना है। उसमें तकरीबन पौना कप जो है, तकरीबन हाफ से भी कम
वो हमने सिरका ऐड करके इसमें, और ये इस तरह से मैंने गाजरें और खीरा जो है उसको काटा हुआ है जुलियन कटिंग में, इस तरह से इस पर हम ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पे, ताकि ये अच्छी तरह से सिरका इसमें जज्ब हो जाए। ये देखिए मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख कर इस तरह से सिरके में इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो इसमें पकाएंगे, ताकि सिरके का टेस्ट इसमें आ जाए। तो ये देखिए इसमें मैंने खीरे जो डाले थे और गाजर डाली थी उस पर तमाम जो मैंने सिरका डाला था वो सारा इसमें मैंने इसको ड्राई कर दिया, और ये देखें इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, ये इसको भी हम बना कर साइड पर रख देते हैं। तो ये देखें 20 से 25 मिनट के लिए जो हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा था वो तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है, मैरिनेट अच्छी तरह से हो गया है। इसकी पहचान ये कि ये थोड़ा थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये वाइट हो जाएगा इसकी ये पहचान है। नेक्स्ट अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। अब कोटिंग करने के लिए जो है वो हम आधा केजी जो है मैदा लेंगे, उसमें ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर हम नमक शामिल कर देंगे। नमक को शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम चिकन की एक जो है वो लेंगे, स्ट्रिप लेंगे, उसको अच्छे से जो है वो मसल लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब जो तकरीबन सारी जो चिकन थी उसको हमने कोटिंग कर ली है मैदे की। अब हमने एक बाउल में बिल्कुल ठंडा पानी जो होता है बर्फ़ वाला वो लेना है, और इसको हमने तमाम स्ट्रिप जो है चिकन की उसको इसमें डिप कर देना है अच्छी तरह से। ये देखें इसको डिप करने के बाद इसको हम वन बाय वन इस मैदे में शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको दबाएंगे, और मुट्ठी में हमारे जो है वो मैदा जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए भरकर, ताकि जो है वो इसके जो स्ट्रिप्स हैं वो अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। ये देखें इस तरह से ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। तो ये देखें फाइनली हमने अपने तमाम जो चिकन को है वो कोट कर लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप जो है वो ऑयल गर्म करने के लिए पैन में रख दिया है, और इसके बाद हम इसमें डालना शुरू करते हैं। अब एक पैन में मैंने जो है वो ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं वन बाय वन जो है वो अपना चिकन जो है वो देख लेती हूँ, पहले गर्म हुआ तो वो हम डालना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तमाम चिकन हम इसमें अपना डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने तमाम जो चिकन है वो अपना डाल दिया है इसमें पकने के लिए, और जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपने लिए चिप्स भी इसके साथ तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पककर जो है वो तैयार हो गया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े से बबल आएंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा जो चिकन है वो फुल पककर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको जो है वो वन बाय वन डिश आउट कर लेंगे इस तरह से, फिर एक इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये लें। तो ये देखिए चिप्स काट के जो है मैंने एक साइड पे रखी हुई थी, अब ये वही वाला मैदा है जिसमें मैंने चिकन की कोटिंग की थी। ठीक है, उसको हमने ज़ाया नहीं करना, हम इसी चिप्स के ऊपर जो है वो इसकी कोटिंग कर लेंगे, और इसको मिक्स कर एक साइड पे रख देंगे, फिर बाद में इसको फ्राई कर लेंगे। अब चिकन जो है वो सारा डिश आउट करने के बाद जो मैंने चिप्स के ऊपर कोटिंग करके मैदे की रखी हुई थी वो भी मैं इसी में फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्राइज हमारे बन के रेडी हो गए हैं। मेरी शॉर्ट्स पे जाएं और वहाँ पर इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है उसको आप फॉलो करें, और इसको बनाना मत भूलिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। हमारी फ्राइज भी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो जब तक हमारी चिप्स रेडी हो रही है तब तक हम अपना पराठा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटर पेपर ले लेंगे, बटर पेपर के बाद हम अपना पराठा लेंगे। अब इस पराठे में जो है वो हम चिकन जो जिंगर हमने बनाया था वो रखना स्टार्ट करेंगे। इसको रखने के बाद इस पे हम मायो डालेंगे इस तरह से। अच्छा, मायो ज़रा थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में हम डालेंगे भर के। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था सिरके में सैलड वो डालेंगे, इसमें खीरे और गाजरें शामिल हैं। साथ में मेरे पास ये आइसबर्ग है, ये भी आप इसमें शामिल करेंगे, वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें। और साथ में ही हम इसमें केचप को जो है वो भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम रैप करना स्टार्ट करते हैं। पहले इस तरह से हम इसको दबाएंगे अच्छी तरह से,
दबाने के बाद पराठे को रैप करेंगे और इस कोने से इसको अच्छी तरह से हम घुमाते जाएंगे, ठीक है। घुमाने के बाद इसको यहाँ से नीचे से टर्न कर देंगे और ये देखिए हमारा लजीज पराठा रोल जो है वो बनकर तैयार है। तो ये देखिए हमारी जो है वो जिंगर पराठा रोल जो है वो बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।